रमजान भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला है? ये चल रहा है, चलते चलते बंद हो गया। अच्छा, मतलब मोटर तो सही है ना तुम्हारा? हाँ, मोटर सही है। अच्छा, इसमें कोई मसला है? अच्छा, इसमें मसला है। तुम तो यही रहते हो ना, तुम्हारे तो टेलर की यही दुकान है ना? हाँ, जी 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 जी। इसमें चेक करके बता दे क्या मसला है। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। काम शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं इसमें क्या मसला है। इसमें ये देखना होता है कि कार्बन जो है ना, ये देखें इसकी टचिंग कम है, तो अभी पता चल जाएगा ये मोटर सही है गलत है। एहतियात ज़रूरी होता है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। इस तरह भी देख सकता हूँ, मसले की बात नहीं होती है। किसी किसी का क्लच में करंट आ रहा होता है या मोटर में करंट आ रहा होता है, तो बड़े एहतियात से ये जो है, मतलब है कि लकड़ी का चादर नहीं है ये समझ लीजिए, शीट नहीं डला हुआ है, ये लोहे का है, तो हमें एहतियात भी देखना होता है इसको। तो ये देखें, ये मोटर नहीं चल रहा है, यानी कि इसका कार्बन डालना है। तो मैं इसका आज बताऊंगा, कार्बन बहुत ही आसान तरीके से डाल सकते हैं, इसमें डालने का तरीका बताऊंगा। आप देखें, आपको डायरेक्ट करके भी दिखा रहा हूं ये, आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। अगर ये पेचकस से इस लिहाज से करंट आ जाएगा, आपको करंट लग सकता है। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं मोटर कैसे चलती है। आपको मुतमईन करना होता है, आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आपको चलता हुआ मोटर भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंस में रहें। ठीक है, खैर इसको ये लगा लेते हैं, और ये इसके साथ टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको पलक हटा देता हूँ। मैं आज बताऊँगा कार्बन किस तरह आसानी से लगता है। इस वजह से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसके अंदर बहुत सारी इस तरह कार्बन की जो है ना टिकी, मुख्तलिफ नामों से लोग लेते हैं कार्बन, कार्बन का नाम। तो बहरहाल इस तरह जो है ना टिकी होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डला हुआ होता है, तकरीबन 50 से ऊपर होता है। तो अगर आपने इसको खोल लिया तो काम बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप काम नहीं कर सकेंगे। इस वजह से कि कार्बन को इस तरह जॉइंट तरतीब वार पे लेकर के आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप इसको खोल के भी काफ़ी देर लगा लेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका आपको आसान तरीका बताऊँगा। सबसे पहले ये है कि जो हमारे चैनल्स पर नए हैं, जो देख रहे हैं दूर दराज, जिस कंट्री में भी, आपको सलाम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पेश करता रहूँगा कि आपको पसंद आए। बहुत नहायती दिल से और दिलचस्पी के साथ मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी टाइप्स प्रॉब्लम हैं वो मैं आपको पेश करूंगा। अब आपने क्या करना है, इस नट को इसको पूरा नहीं खोलना है आपको। अगर आपके घर पे कोई नोक वाली प्लास, चोच वाली प्लास, ठीक है, इसको आप इसको थोड़ा सा इसको लूज़ कर लें, और लूज़ करने के बाद इसको आपने
ऐसे कर लेना है, ठीक है। इसलिए अगर आपने लूज किया और पूरे अंदर की कार्बन की टिक्की वो बाहर जाने आ जाएगी, तो लिहाजा आपको इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आपको बड़ा मोहतात अंदाज में काम करना है, ठीक है। आप पहले इसको कार्बन को रेडी कर लें, जितने भी कार्बन लगाना है इसमें, ठीक है ना। इसमें जो है ना, देखें आप इसको इस अंदाज में, इसके मकसद है कि इसके अंदर की कार्बन ख़त्म हो गई है, देखें, ठीक है, ये देखें। तो इसके मकसद है कि आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा खोल देते हैं, काम बढ़ा के बैठ जाते हैं, तो काम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियोस को जो बता रहा हूँ इसको फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फॉरवर्ड करेंगे तो इससे बहुत अच्छे काम मालूमात से आप महरूम हो जाएंगे, शॉर्टकट में उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपको। तो थोड़ा सा आप तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए देखें इसको। अक्सर लोग वीडियो को जो है ना फौरी तौर पे जो है ना आगे बढ़ा रहे होते हैं, फौरी, जब फौरी बढ़ाना है, जब आपने समझदार है तो फिर वीडियो को देखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। जब नहीं मालूम है तो आप वीडियो को देख रहे हैं, जब देख रहे हैं तो दरअसल मुकम्मल तौर पर देख लें, 5-10 मिनट में इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें, अब आप कुछ लोग इसको, अब आपने लाजी बात है, अगर आप इसको ऊपर नहीं रखेंगे, नीचे के जानिब रखेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, और जब ये जो है ना ये अंदर सा बिखर सा जाएगा ना ये, तो फिर आप कार्बन लगाएंगे भी तो नीचे चलेगा ये। आप देखें, आप इसको आराम से प्यार से, ठीक है ना, इसको इस तरह करके रखें, दिखा रहा हूँ आपको, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। आप इसको आराम से इसको पेचकस की मदद से इसको अंदर डाल लें, देखें अंदर गया। इसी तरह जस्ट दूसरी भी इस तरह लें और इसको इस तरह करके इसको लगा लें, ठीक है। अब देखें ये फुलफिल हो गया, ये बराबर हो गया है। इसको और भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो डिपनेस है ये काम कर जाएगा ये। इसको कैमरामैन ज़रा सा इसको नीचे की जानिब रखें, इसको दिखाएं इसको ज़रा सा, ये आप देखेंगे मोटर में ज़रा सा ये डिपली हिस्सा होता है, ये यहाँ पे डिपली हिस्सा होता है, जो थोड़ा सा खला रह गया है वो इस चीज़ को ये पूरा कर जाएगा। ये देखें, आप नहीं है तो ऊपर से भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें, ये डीप हिस्सा है, ठीक है। ये जो है ना, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आप इनको क्या करें, इस जो ये ब्रैकेट को आपने इसको अंदर कर लिया, इसको बड़े अच्छे अंदाज में कीजिए। इसके से ज़्यादा अगर आपने कार्बन डाल दिया इसमें तो कंजेस्टेड हो जाएगा ये, फिर ये कार्बन टूट भी सकता है ये अंदर से। तो इसको इस तरह कर लें, ठीक है। और इसको इसी तरह जिस तरह अगर नीचे रखेंगे ये साइड से जो है ना ये निकल जाएगा ये कार्बन। तो लिहाजा आप इसको बड़े प्यार मोहब्बत से इसको टाइट कर देना है, ठीक है। इसको इस तरह टाइट कर लें जिस तरह आपको आसानी हो, थोड़ा सा जैसे आपने इसको कर लिया, इसको टाइट कर लिया आपने, इसको टाइट करते रहें, ठीक है ना, ये टाइट हो गया। इतना टाइट कर दें आप कि इस चीज़ को जो है ना आप पुश करें तो देखें कि ये बिल्कुल सही है। और ये चीज़ का ख्याल रखें कि मोटर ये जो है ना क्लच के जो क्लच ये शीट है इसके साथ ये चीज़ें टच ना कर रहा हूँ। अगर ये इसके साथ टच करेगा तो आपको करंट लग सकता है, अल्लाह बचाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। और कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि एहतियाती तौर पे आप इसको इस तरह कोई गत्ते का पीस भी इस तरह नीचे लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं कि नट बिल्कुल फुल टाइट है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपने इसको कार्बन लगा दिया, अब देखें ये कार्बन जो है ना ऊपर के जानिब आ गया होगा, ये देखें आ गया। तो क्या ज़रूरत पड़ी है आपको ये पूरा खोल के टाइम बर्बाद करने का, ये छोटा सा चीज़ आपके लिए बुखार बन जाएगा पूरा, ये घंटा डेढ़ घंटा,
और आप जब इसको खोल के किसी मैकेनिक के पास जाएंगे ना, तो उनको पता है इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे नहीं, तो वो आपको इनकार भी कर सकते हैं। 10 दुकानों में भी जाएंगे इनकार कर सकते हैं, इसलिए आप उनको ज़्यादा पैसा देंगे नहीं ना। उनको आपका माइंड का पता होगा, ये बंदा पैसा देगा या देंगी, तो शायद आपको फिर आपके लिए कोई सही बंदा होगा तो समझ लीजिएगा वो आपको ये काम करेगा। खैर, मैं हर किसी का केस डील करने की कोशिश करता हूँ, और अल्लाह पाक से दुआ होती है कि हमें अच्छे अखलाक नेक सूरत इंसान जो है ना, अल्लाह मुझे मिलाएं। इसलिए मैं बहसबाजी और उल्टा सीधा इस किस्म के लोगों से मैं बड़ा परहेज करता हूँ, तो इस वजह से हर बातें शेयर कर लेता हूँ। किस वजह से, लाजमी बात है, मैं आपके चैनल्स पे हूँ, अपनी दिल की बात भी शेयर कर लेता हूँ आपसे। आपसे दुआ के भी अपील करता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दुनिया और आखिरत के लिए, आफत के लिए हमारी दुआ कर दीजिएगा। इससे लाजमी बात है, इतने हमारे करीबी लोग भी देख रहे होंगे, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, इसका अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा सकता हूँ कौन कहाँ देख रहा है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। स्पार्क का टेंशन नहीं लीजिएगा, ये जो स्पार्क नज़र आ रहा है ये होता है, टच होगा तो यहाँ पे स्पार्क करेगा, कार्बन जिस जगह पे होगा तो स्पार्क करेगा, तो ये मोटर चलेगी समझ लीजिएगा। अगर स्पार्क नहीं होगा इस जगह पे तो मोटर कैसे चलेगी, तो लिहाजा इस चीज़ का टेंशन नहीं है। हाँ, मोटर में अगर मोटर कार्बन में अगर इस मोटर कार्बन में अगर स्पार्किंग ज़्यादा हो रहा है तो आपको मोटर जो है ना हीटअप भी होगा, मोटर गर्म भी होगी, तो लिहाजा इसका स्पार्किंग इसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली स्पार्क होनी चाहिए जो माइनर सा। हर चीज़ शेयर कर देता हूँ, लाजवाबाद एक बुनियादी चीज़ें इंसान को मालूमात नहीं होती है। लाजवाबाद टॉपिक था मेरा ये आपको कार्बन लगाने का, लेकिन मैंने आपको एक आसानी पैदा करने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब आपने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया, मैंने एक चीज़ को बताया, तो आपके जहन में रहेगा कभी आपके जो है ना इसमें फैक्चुअल बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना शार्ट हो रहा है कार्बन जो है ना, जैसे आपको चला के दिखा रहा हूँ मैं, अब देखिए इसमें जो है ना कार्बन के जो है ना ज़्यादा शार्ट नहीं हुए थे, क्यों, ये मोटर सही है इस वजह से, ठीक है। तो अब जिस मोटर में ज़्यादा शार्ट हो रहा हो या बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंगारी आ रही हो तो समझ लीजिएगा वो मोटर जो है ना हीटअप भी होगा, और मोटर अब बहुत जल्द यानी ख़राब भी हो जाती है इस तरह ज़्यादा लोड पड़ने से। एक पहचान बना दिया, बता दिया आपको इसका, तो ये रहा, आपने देखा कितना बेहतरीन हो गया। तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा आपको कार्बन जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म का ये भी होता है इसमें इसके ना डालने के लिए, हाथ से आगे डालने के लिए, तो खैर इसकी सही थी, ये बैठा हुआ था तो मैंने यहाँ पे 2-3 कार्बन लगाया, ये आगे की तरफ पुश किया इसको, ये कार्बन, ये देखें आप इस तरह मोटर चलनी शुरू हो गई। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।